देश भर में कोरोना संकट अभी भी बरकरार है। पिछले लगातार 6 दिनों से 40,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 40,134 नए कोरोना केस आए हैं और 422 संक्रमितों की जांच चली गई है। केरल में सबसे ज्यादा 20,728 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि देश में पिछले 24 घंटे में 36,946 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 2766 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,16,95,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,24,773 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,08,57,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4,00,000 से ज्यादा है। कुल 4,13,718 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1 अगस्त तक देश भर में 47,22,00,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 17,00,000 टीके लगाए गए हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 46,96,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 14,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस 1.30% है। कोरोना एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत अब 8वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।